let's begin the next work of Jonathan Swift. So last class में हमने Jonathan Swift का the Battle of the Book है उसको discuss किया था. So next उसका जो prose style है that is A Tale of Tub. A Tale of Tub. Okay, A Tale of Tub. So it is also published in 1704. ये एक prose style है. Prose style है, ठीक है. और religious allegory. Religious allegory. Okay. So Tale of Tub में tub का क्या मतलब होता है? यहाँ tub वही tub है. जो वी यूज्ड यू नो टू स्टोर द वाटर इन इट, वी यूज्ड इट इन द आवर बाथरूम्स टू कंटेन द वाटर, दैट इज द सेम टब. सो जो सेलर्स होते थे दे यूज दिस टब टू व्हेन दे सेलिंग इन द यू नो सी, देन ये दे यूज दिस टब टू थ्रो इट इनटू द वाटर, पानी में फेंकते थे सो दैट दे कैन डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द फिशेस. क्योंकि जब सेलर सेलिंग करते थे तो उनके पीछे बहुत सारी फिशेज आ जाती थी, मछलियां, तो वो क्या करते थे, इस टब का यूज करते थे, समुद्र में इसको दूसरी तरफ फेंक देते थे ताकि वो जो मछलियां उसके पास है वो उधर चली जाए सभी, और मछलियों का ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाए. इसलिए इस टब का यूज यहाँ इसलिए हुआ है. सो ये एक स्टाइल है, बहुत फेमस वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का. तो यहाँ मेनली थ्री ब्रदर्स होते हैं, पीटर मार्टिन, पीटर मार्टिन और जैक, ठीक है. सबसे बड़ा ये है, फिर ये मिडल है, और सबसे छोटा यंगेस्ट ब्रदर ये है. सो पीटर है, ही रिप्रेजेंट द रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च. ओके, मार्टिन रिप्रेजेंट द चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड. एंड जैक रिप्रेजेंट द प्रोटेस्टेंट चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च. ओके, सो दीज आर थ्री ब्रदर्स एंड दे रिप्रेजेंट द थ्री ब्रांचेस ऑफ द चर्च. तो स्टोरी क्या होती है, दीज थ्री ब्रदर्स एंड दे आर द सन ऑफ द वन पर्सन हु बिफोर हिज डाइंग. तो यहाँ क्या होता है, इन तीनों का एक फादर होता है एंड बिफोर हिज डेथ ही टेक ए वॉ टू हिज सन्स एंड गिव देम कोट. कोट जो नॉर्मली हम पहनते हैं, कोट्स जैकेट मतलब. सो हिज फादर गिव देम थ्री कोट्स टू दिस थ्री सन्स दैट दे विल नॉट चेंज दिस कोट विद द पैसेज ऑफ टाइम. वो एक कंडीशन पे उनको वचन लेता है कि वो इस कोट को जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आएगा वो इस कोट में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है. उसका फादर है, वो तीनों को ये कोट देके जाता है, तीन कोट, और उनसे उनसे ये वॉव लेता है प्रतिज्ञा कि वो इसमें कोई चेंजमेंट अल्टरेशन नहीं करेंगे, ठीक है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर एज द टाइम इज पासिस द थ्री ब्रदर्स है दे स्टार्टेड टू चेंजमेंट इन दिस कोट. ओके, तो वो क्या करते हैं, आपने पिता की डेथ के बाद थोड़ा टाइम निकल जाता है तो समय के साथ साथ जैसे फैशनेबल चीजें कोटों पे लगती है, जैसे बटन होते हैं बहुत सुंदर, लेस होती है गोल्डन, या शोल्डर नोट लगाया जाता है, ठीक है. शोल्डर नोट, शोल्डर पे जो डेकोरेशन बोलते हैं करते हैं ना उसको शोल्डर नोट बोला जाता है, तो वो लगाया जाता है. तो ये सब उनको स्टार्ट कर देते हैं, उनपे लगाना तीनों ब्रदर्स, ठीक है. नाउ क्या करता है, पीटर है वो शोल्डर नोट्स लगाता है अपने कोट पे और वो बोलता है कि इट इज नॉट मेंशन इन द कंडीशन ऑफ द फादर दैट वी विल नॉट यू नो पुट द शोल्डर नोट ऑफ आवर कोट. तो वो क्या करता है, शोल्डर नोट लगा लेता है. Now what happened as the time passes, three brother है, the elder brother Peter है, he started a business of pickle, pickle का business start कर देता है and he becomes a rich person. And the last two brother है, remaining two brother, they remains poor, वो गरीब रह जाते हैं. लेकिन Peter क्या करता है, वो अपना खुद का business चलाता है और एक अच्छा पैसे वाला person बन जाता है, और वो क्या करता है, इन दोनों भाइयों को घर से निकाल देता है. Now both the brother है मार्टिन एंड जैक, दे थिंक अबाउट द वो ऑफ देयर फादर, वो अपने पिता की जो प्रतिज्ञा थी उसके बारे में सोचते हैं एंड दे स्टार्टेड टू रिमूव ऑल द
ऑर्नामेंट्स जो उन्होंने लगाए थे, जो ऑर्नामेंट्स कोर्ट को डेकोरेट करने के लिए लगाए थे, दे स्टार्टेड टू रिमूव इट, उनको रिमूव कर देते हैं। जैक गुस्से में क्या करता है, जब उसको रिमूव करता है तो उस कोर्ट में होल हो जाता है, छेद हो जाता है, मतलब जबरदस्ती उसको फाड़ देता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, जैक और जो मार्टिन है दे ट्राई टू डिस्कस समथिंग एंड दे सेपरेट फ्रॉम इच अदर। नव ये तीनों ब्रदर्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तीनों अलग अलग ग्रो करते हैं। नव लास्ट में क्या होता है, पीटर और जैक है वो अपने भाई जो मार्टिन होता है उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। नव पीटर है वो किसी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है लास्ट में, और जैक है वो अपने भाई को छोड़ कर वहां से अकेला चला जाता है। लास्ट में ये स्टोरी और कुछ नहीं, बस इतनी सी है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो से तीन बार क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले ये रीड लीजिए, सैलिगरी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें तीनों ब्रदर्स कौन से चर्च को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें एक बार आया है कि पीटर रिप्रेजेंट विच चर्च, तो रोमन कैथोलिक चर्च। तो आपको ये तीनों का ये ध्यान में रहना चाहिए कि कौन से चर्च को कौन सा ब्रदर रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टेलोप्टर,